बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई जारी है। निगरानी की टीम ने मसौढ़ी में तैनात ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान भ्रष्ट अधिकारी के राजीव नगर आवास से निगरानी को अकूत संपत्ति का पता चला है। जांच में करोड़ों रुपए के चल अचल संपत्ति का पता लग चुका है और अभी भी ये जांच जारी है। निगरानी की टीम डीएसपीएस के मऊवार के नेतृत्व में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार के मकान में जब छापेमारी करने पहुंची तो हैरान रह गई। पटना के पाटलिपुर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी इलाके में रोड नंबर 7 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 4 मंजिला आलिशान मकान बना रखा है। निगरानी की कार्रवाई में 60 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। जब्त कैश की गिनती के लिए निगरानी विभाग को नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी। इसके अलावा भी 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट, 1.5 किलो सोना, लगभग 3 किलो चांदी और भूखंड और कई बैंक अकाउंट्स के साथ साथ पासबुक का भी पता चला है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार के लॉकर भी निगरानी विभाग के हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार सिंह के घर से 12 के लगभग का जमीन के प्लॉट के कागजात मिले हैं। निगरानी के अधिकारी इस बरामदगी से हैरान हैं। हालांकि बरामदगी से जुड़ी डिटेल की आधिकारिक स्तर पर पुष्टि नहीं हो सकी है। दरअसल निगरानी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ आय से अधिक 86 लाख रुपए का केस अपने थाने में दर्ज किया था। कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद उसके ठिकानों पर छापेमारी की गई। निगरानी की कार्रवाई से बिहार के भ्रष्ट अफसरों में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।